कहानी सुना रहे हैं। हमें कहानी सुना रहे हैं। हम बेताब हो रहे हैं। सब बच्चे समीर और सायरा के दादा जान के गिर्द इकट्ठे हो गए। उन्हें दादा जान का आना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते थे ना। वही एक दफा का जिक्र है कि एक परिंदा समंदर पर बहुत नीचे उड़ रहा था। उसे समंदर से कोई चमकदार सी चीज निकलते और फिर वापस समंदर में जाते देखी। अच्छा। परिंदा अब भी नीचे उड़ रहा था। एक चमकीली मछली पानी में से उछली और उसने परिंदे को देखा। मछली ने आज तक इतनी खूबसूरत मखलूक देखी ही नहीं थी। वही सब्ज और नीले परों, नोकीली चोंच और पंजों वाली मछली ने पानी के ऊपर रहने की कोशिश की, लेकिन उसे सांस लेने के लिए वापस पानी में जाना पड़ा। ये ठीक नहीं है। मैं कभी परिंदे से दोस्ती नहीं कर सकती, क्योंकि वो आसमान में उड़ता है और मैं पानी में तैरती हूँ। वो दरख्त पे रहता है और मेरा घर तो समंदर की तह में गीली मिट्टी है। मछली वापस गहरे पानी में चली गई, लेकिन परिंदे को नहीं भूल सकी। परिंदा भी उदास था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मछली बात करने के लिए क्यों नहीं रुकी। हम दोस्त नहीं बन सकते। वही उसने सोचा, क्या फायदा जब मैं तैर नहीं सकता और मछली उड़ नहीं सकती। और फिर वो दूर दरख्तों की तरफ उड़ गया, लेकिन वो मछली को नहीं भूल सका। अगले दिन परिंदा दोबारा समंदर की तरफ उड़ा तो उसने समंदर में एक कश्ती देखी, और फिर अचानक परिंदे ने कश्ती में उसी मछली को देखा। वो बेचारी जाल में फंसी हुई थी। परिंदा बोला, ये मर जाएगी, ये तो पानी के बाहर सांस नहीं ले सकती, मुझे क्या करना चाहिए। वही परिंदे ने सोचा और उड़ते हुए जाल के करीब आया और उस पर अपनी चोंच मारी। वो अपनी चोंच से जाल को काटता गया, यहाँ तक कि जाल में एक बड़ा सुराख बन गया जिससे मछली बाहर आ सकती थी। लेकिन मछली बहुत थक चुकी थी, वो सांस नहीं ले सकती थी ना, इसलिए उसमें कुछ करने की ताकत नहीं थी। परिंदे ने सोचा, अब मुझे क्या करना चाहिए। मछली बोली, मुझे अपनी चोंच में उठा लो जल्दी, मुझे यकीन है तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। वही मछली का इतना कहना था। परिंदा मछली के करीब गया और उसे आराम से अपनी चोंच में उठा लिया। वही बच्चों, मछली भारी थी जिससे परिंदे की चोंच में दर्द होने लगा। दादाजी फिर क्या हुआ। लेकिन वो उसे घसीट कर कश्ती के किनारे ले गया और वापस पानी में गिरा दिया। कश्ती में मौजूद लोगों ने उसे अचानक देखा और चीखे, छोड़ो, अरे छोड़ो, छोड़ो इसे, छोड़ो, छोड़ो उसको, हमारी मछली को छोड़ो। भाई बच्चों, उन्होंने परिंदे को पत्थर मारा। परिंदा उड़ा, लेकिन पत्थर उसके पर के ऊपर लगा और उसका पर टूट गया। दादाजी फिर क्या हुआ। परिंदा पानी में गिर गया। भाई परिंदा अभी सोच ही रहा था कि उसे अपने नीचे कुछ महसूस हुआ। दादाजी वो क्या था। बच्चों, ये वही मछली थी, उसने उसे उठाया और पानी के ऊपर कर दिया। ये तो बहुत अच्छा हुआ। मछली तैर कर एक दरख्त के पास गई। परिंदे ने चोंच से दरख्त की शाख पकड़ी और दरख्त पर बैठ गया। अब वो महफूज था। तो बच्चों, मछली हर रोज परिंदे को देखने आती। परिंदा शाख पर बैठता और मछली पानी में से उछलती। फिर एक दिन जब वो पानी से उछली तो वो उसके सर के ऊपर उड़ा। अब उसका पर बेहतर था और फिर वो आसमान में ऊंचा उड़ता गया। तो बच्चों, हर रोज सुबह मछली दरख्त के पास तैर कर जाती और परिंदा ऊपर से उसे देखता। फिर वो पानी में तैरने लगती और परिंदा हवा में ऊंचा उड़ने लगता। क्या बात है। तो बच्चों, आपने देखा कि दोनों एक दूसरे की दुनिया में नहीं जी सकते थे, लेकिन फिर भी दोस्त थे। दादाजी आपकी कहानी तो लाजवाब है।